हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरी गाइस आज मैं चने की दो तरह की रेसिपी लेकर आई हूं जिसे आप पूरे विंटर में एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को आप इवनिंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बड़े ही चाव ऐसी खा सकते हैं यह इतना स्वादिष्ट है कि किसी भी स्पेशल ओकेजन पर आप इसे बना सकते हैं या घर में जब मेहमान आए तो उनके लिए हल्का फुल्का कुछ चटपटा बना कर देना है तभी भी बना सकते हैं चाय के साथ आप स्नैक के रूप में इसे, इसे इस्तेमाल कर सकते सकते हैं और इसे आप थर्टी फर्स्ट दिसम्बर आरोप भी आप बना सकते हैं यह बहुत ही स्वादिष्ट है थर्टी फर्स्ट दिसम्बर आरोप इंजॉय करना चाहते है तो गेस्ट के लिए भी आप इसे तैयार कर सकते है यह बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें न्यूट्रिशन बहुत पाया जाता है और यह फुल ऑफ स्टमक है तो थोड़ा सा भी खाएंगे तो तुरंत आपका भूख मिट जाएगा तो चलिए चलिएगा जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को अब आप देख सकते हैं कि इस चार्ट को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काला चना ले लिया है और सबसे पहले हमें इसे वॉश करना है और वॉश करने के बाद हमें इसे भीगने के लिए रखना है तीन बार इस चने को हम पानी से वॉश करेंगे इसके बाद जितना चना है उसका तीन गुना पानी हमें इसमें डालना है और डाल कर पाँच ऐसी छह घंटे के लिए इसे रख देना है या फिर रात में इसे भीगने के लिए रख देंगे तो मैंने इसे रात में भीगने के लिए रख दिया था और अब आप देख सकते हैं कि यह भीग कर तैयार हो चुका है तो अब हमें इसे फिर से दो बार पानी से वॉश करना है और इसके बाद हमें इसकी पोटली बांधना है पोटली बांधकर हम 24 घंटे के लिए इसे हैंग रखेंगे ताकि इसमें इसके स्प्रॉट निकल आए ंग किए हुए 24 घंटे हो चुका है और अब मैं देख रही हूँ कि इसमें इसके स्प्रॉट निकल चुका है तो अब हम इस पोटली को खोलेंगे और इस बर्तन में निकालेंगे अब आप गाइस देख सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े अंकुर निकले हुए हैं अब इस अंकुरित चने से जो हम चाट बनाएंगे वह स्वादिष्ट तो होगा ही साथ ही न्यूट्रिशियस भी बहुत होगा तो इसीलिए हम अंकुरित चने का इस्तेमाल करते हैं तो अब फिर से हम इसे दो बार पानी से वॉश करेंगे और इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसे पानी से धो रही हूं तो दो बार हम इसे पानी से अच्छी तरह से धो देंगे ताकि इसके स्मेल निकल जाएगा अब हमें इसे उबालना है तो उबालने के लिए हमें एक कुकर चाहिए इस कुकर में इस सारे चने को डाल देंगे और इसमें लगभग दो से तीन गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे इन दोनों चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लिड लगाकर कर थ्री विसिल आने तक इसे हम उबलने देंगे गाइज इसमें तीन सिटी आ चुका है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था इसका लीड अब अब अपने आप खुलने के लिए तैयार हो चुका है इसके सारे गैस लीक हो चुका है तो अब हम इसे खोलेंगे लिट खोलने के बाद सबसे पहले हमें इसे चेक करना है तो इसका एक दाना निकालेंगे और अपने फिंगर से दबा कर देखेंगे और अगर आसानी से यह दब जाता है तो इसका मतलब है यह कुक हो चुका है सॉफ्ट हो चुका है तो अब हमें इसे ड्रेन कर लेना है तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और नीचे एक मैंने सॉस पैन भी रख दिया है अब इसमें हम सारे चने को डाल देंगे चने स्ट्रेनर में रहेगा और पानी इसका सारा निकल जाएगा अब हम ऊपर से भी थोड़ा पानी डाल ताकि इसके स्मेल और जो ब्लैक कलर का पानी होता है वो निकल जाएगा ताकि इसका अच्छा कलर निखर कर आए चने को उबालने के बाद हमें इसे कुक नहीं करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है हम इसमें सभी कच्ची चीजें ही डालेंगे और इसका चाट तैयार करेंगे तो मैंने एक बाउल में इसे ले लिया है और इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप बारीक कटा हुआ टोमेटो एक कप बारीक कटा हुआ प्याज तीन से चार हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च आप अपने तीखा अनुसार ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं इसके अलावा हमें एक चौथाई चम्मच काला नमक डालना है एक चौथाई चम्मच आठ मसाला डालना है एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है ऊपर से थोड़े से गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे और चार चम्मच नींबू का रस डालना है तो इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह चाट अब खाने के लिए तैयार हो चुका है बनाने में जितना सरल है खाने में उतना ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन भी इसका उतना ही ज्यादा है तो गाइज इस चाट को जरूर तैयार करे जब भी आपका मन करे इस चाट को बनाए और इंजॉय करे तो यह चाट बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो हम अपने इच्छा अनुसार अपने पसंद से इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं एक एक स्पून करके इसमें डाल रही हूँ और डालते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है मन करे फटाफट गार्निश करे और खाना शुरू कर दे शायद सच में यह रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो इसे ट्राई जरूर कीजिए और अब चलते है हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ गाइज आप सब ने मेरे पिछले वीडियोस को इतना लाइक किया है शेयर किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है इतना अच्छा व्यूज दे रहे हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं इन सभी चीजों के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गाइज अगर यह रेसिपी भी आपको पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट रेसिपी गाइज दूसरी रेसिपी में भी आप देख सकते हैं कि मैंने 250 ग्राम चने ले लिया है और इसे भिगो दिया है इसके बाद मैंने इसे पोटली में बांध कर हैंग कर दिया था और अब इसमें आप देख सकते हैं कि अंकुर भी निकल चुका है और इसके बाद मैंने इसे उबाल लिया है यहाँ से हमें थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना है तो इसे हम मसालेदार चटपटा चाट बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें देना है तड़का तो मैंने एक पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें पाँच से छह चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है आधा चम्मच जीरा और दो तेज पत्ते भी मैंने इसमें डाल दिया है अब हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे यानी कि दो चम्मच करीब हम प्याज ले सकते हैं बट मेरा प्याज थोड़ा दो चम्मच से भी कम है एक चम्मच है तो सबसे पहले हम इस कटे हुए प्याज को इसमें भुनेंगे जैसे ही प्याज भुन जाता है तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज को ग्रेट कर लिया है क्योंकि हम इसे मसालेदार बना रहे हैं तो इसलिए हमें प्याज भी डालना है तो एक ग्रेटेड प्याज मैंने इसमें डाल दिया है और पहले हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे इसे पकने में लगभग एक मिनट का टाइम लगेगा बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे जब इसका पानी सूखने लगे और तेल नजर जर आने लगे तब हम इसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे बट आपको ध्यान रखना है कि इसे बीच बीच में चलाते रहना है प्याज भून चुका है सबसे पहले हमें हल्दी पाउडर डालना है तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद मैंने एक टोमेटो को ग्रेट कर लिया है तो यानी हमें चार से पांच चम्मच पिसी हुई टमाटर का पेस्ट चाहिए तो इस टोमेटो पेस्ट को भी हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह ऐसी मिक्स करेंगे और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी भी डाल देंगे सभी चीजों को मिक्स कर फिर से हम लीड डालकर इसे धीमी आंच पर पकने देंगे अब आप देख सकते हैं पकते हुए लगभग मिनट हो चुका है इसमें से तेल नजर आ चुका है तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लहसन का पेस्ट मैंने लहसन का पेस्ट पहले से कुक करके रखा हुआ है तो इसीलिए मैं इसे एंड में डाल रही हूँ लेकिन अगर आप ताजा लहसन का पेस्ट ले रहे हैं तो इसे प्याज के साथ ही डालें इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से लेट डालकर हम इसे पकने देंगे पकते हुए एक मिनट और हो चुका है इसमें तेल नजर आने लगा है तो हम थोड़ा सा गर्म मसाला भी एड करेंगे तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ डालकर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे लेड डालकर फिर से पकने देंगे अब मसाला को पकते हुए लगभग दो से ढाई मिनट हो चुका है और इसमें तेल भी नजर आने लगा है तो अब हमें इसमें चना ऐड करना है तो चना ऐड करने से पहले मैं देख रही हूँ कि जो मेरा मसाला है थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे थोड़ा सा इसे लूज करेंगे ताकि हम चना जब इसमें डालेंगे चना के ऊपर मसाला का एक बढ़िया सा कोटिंग हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे लूज कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चना और चना डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि चना के ऊपर कितना बढ़िया कोटिंग हो रखा है थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे भुनेंगे तो इसमें थोड़ा नमी होना चाहिए अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो चना के अंदर जो नमी है वही सूखेगा यानी चना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो इसलिए हमें सॉफ्ट बनाना है तो थोड़ा सा पानी डालना है और आपको थोड़ा सा हार्ड खाना है तो आप बिना पानी का भी इसे पका सकते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम इसे लिड डालकर फिर से लगभग एक से डेढ़ मिनट तक पकने देंगे लगभग जब एक से डेढ़ मिनट हो जाए तब आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो सूख चुका है मसाला का कोटिंग अच्छी तरह से चने के ऊपर आ चुका है इसमें तेल भी नजर आने लगा है एक बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है तब आपको गैस ऑफ कर देना है और हरा धनिया से गार्निश करना है हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे तो हमारे चने की रेसिपी तैयार हो चुकी है यानी कि चने का मसालेदार चाट बनकर तैयार हो चुका है तो अब मैं इसका प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको दिखा देती हूँ तो मैंने एक ट्रे ले लिया है और इसमें मैं वन बाय वन करके इसमें चने डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है कितना हॉर्टी लग रहा है कितना मसालेदार लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है मन कर रहा है फटाफट खाना शुरू कर दे तो थोड़ा सा इंतजार और करेंगे और थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश करेंगे साथ में रखेंगे दो हरी मिर्च दो चम्मच नींबू का रस एड करेंगे और एक प्याज को काट कर तैयार कर लेंगे प्याज चाहे तो आप छोटे छोटे भी इसमें काट कर मिक्स कर सकते हैं या फिर आप सैलेड के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह चने का चाट बनकर तैयार हो चुका है किसी के साथ आमने भी आप इसे सर्व कर सकते हैं आप अपने होटल में सर्व कर सकते हैं ढाबा में सर्व कर सकते हैं और अपने घर में तो कर ही सकते हैं खुद के लिए तो बना ही सकते हैं अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं यानी इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं टिफिन बॉक्स में ले जा सकते हैं तो किसी भी तरह से आप इसे इस्तेमाल कीजिए डिनर में खा सकते हैं तो किसी भी तरह से इस चाट को आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी को इसी तरह से बनाइए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को एक लाइक देना ना भूलें फ्रेंड्स अगर बहुत पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट रेसिपी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय